नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं एस आर न्यूज गुजरात। जनाब उस्मान अलहाज रियासत से ताल्लुक रखते हैं और हमारे बीच स्पेशली ये फसादी लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आए हैं। हैदराबाद से आपके लिए खास आए हैं। आपके दो मिनट पूर्ण मुखातिब करें। पहले आपका स्वागत है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर सालों से हमें कांटेस्टेड एमएलए जी थे कांग्रेस से। मुख्तसर पांच मिनट में बातें बताओ। यहाँ पर जो मुझे दावत दी गई है हैदराबाद से जनाब गयास भाई साहब और उनके तमाम यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं, मेरे बहनें मौजूद हैं, नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम को मैं शुक्रिया अदा करते हुए हैदराबाद से जो आया हूँ। हैदराबाद से आने का मकसद ये है कि हैदराबाद के जो हालात हैं, कुछ लोग हैदराबाद से आए यहाँ पर और आपके सेक्युलर वोटों को, हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को संविधान में अधिकार है बराबर रहने का, यहाँ पर किसी को भेदभाव नहीं है। मैं जानता हूँ यहाँ नौजवान जियाले नौजवान है, यहाँ के अहमदाबाद के तमाम नौजवानों को, सब लोगों को मैं सलाम करता हूँ। यहाँ की हिंदू मुस्लिम जो एकजहती है, इन तमाम को मैं धन्यवाद करते हुए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, भाइयों सावधान रहिए। आप लोगों को मजहब के नाम पर वोट काटने के लिए बीजेपी के एजेंट्स मीर सादक मीर जाफर की सूरत में दोबारा यहाँ आए हैं। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अपने वोटों को फटने मत दीजिए। ये लोग एक जानते हैं, एक पासवान बीजेपी के पास है, फिर ये मुसलमान की सूरत में ये पासवान आपके लिए वोट काटने के लिए आया है। आप तमाम से गुजारिश है, जज्बात की रो में मत भइए। जज्बात हमारे मुस्तकबिल का हल नहीं है, बस जज्बात हमको रोटी देने वाले नहीं है, नौकरी दिलाने वाले नहीं है। मैं गयास भाई को दिल से सलाम करता हूँ। आपकी जो खिदमत है अवाम के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ के तमाम लोगों के साथ, आपकी जो मुसलसिल जद्दोजहद है एकजहती को बरकरार रखने के लिए, मुल्क में जो दस्तूर है संविधान को बचाने के लिए, अगर कोई पार्टी अगर हिंदुस्तान में है वो कांग्रेस पार्टी है। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक कांग्रेस, आप बताइए कोई भी, ये चैलेंज है मेरा कि कांग्रेस पार्टी क्या बीजेपी से इत्तेहाद कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती है। इसीलिए तमाम लोगों को देखिए, उधर हमारे पास केसीआर लिख गया है, उधर चंद्रबाबू, उधर आपके पास आंध्रा में वाईएसआर का बेटा लिख गया है, हर जगह मोदी के सामने घुटने टेक चुके हैं। एक ही पार्टी है, मात्र एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इस दस्तूर को, इस मुल्क की एकजहती को बचाने के लिए काम कर रही है। आप तमाम की जिम्मेदारी है भाइयों, जज्बात में ना आए। जो इलेक्शन का दिन होगा, यहाँ जिस तरह से हम हिंदू मुस्लिम जिस तरह ठहरे हुए हैं, हमको चाहिए कि आइंदा मुस्तकबिल में भी हम इसी तरह जमे रहे, हमारा इत्तेहाद बरकरार रहे, न मजहब के नाम पे नहीं। अभी आके आपको मजहब की दुहाई दे रहे हैं, याद रखिए हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट टूट गया, तोड़ दिया गया, वहां पर इन लोगों की मौजूदगी में एक केसीआर के पार्टनर से मुसलमानों की दो मस्जिदों को वहां पर तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया। ये चुप्पी बैठे हुए कोई आवाज नहीं कर रहे हैं। आज तक वहां पर मस्जिद को आबाद करने के कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पांच मस्जिदों को शहीद कर दिया गया हैदराबाद में। ये कहा है बालखा, ये बोलते हैं कि हम बाबरी मस्जिद को आबाद करेंगे। घर में 100 से ज्यादा हैदराबाद में मस्जिदें वीरान है मेरे भाइयों, 50,000 से ज्यादा बहनें हमारी नौजवान लड़की है, शादी की उम्र पार कर चुकी, उनके शादी का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। मुसलमान मर्द बेरोजगार मुसलमान नौजवानों की यह हालत है कि नौजवान भूखा पेट नंगे पांव घूम रहा है और ये किराए के घरों में रहने वाले आज हजारों करोड़ के मालिक बन गए। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आइंदा जो आने वाली ये पोलिंग की 21 तारीख को आप तमाम मिलकर इस मुल्क को बचाने की, मैं वहां से आया हूँ इसलिए
कि मैं आप सब एक जहाज के मुसाफिर हैं। अगर कोई आदमी अगर नासमझी में अपने मफाद की खातिर जहाज में नीचे का सुराख कर दिया और वो जहाज पूरे का पूरा अगर दूसरे खामोश बैठेंगे तो पूरे का पूरा जहाज डूब जाएगा। ये वक्त सबको मिलकर हिंदुस्तान को बचाने का है मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की एकजाती को बचाने का है। आप सीधा सीधा देखिए ये लोग वोट काट कर किसका फायदा कर रहे हैं। हर जगह बिहार में गए कितने 32 सीटों को हरा दिए। जगह जगह जाइए बिहार में जो जहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है वहाँ पर ये कांग्रेस गठबंधन और आरजेडी का इत्तेहाद था। जहाँ सीमांचल में मुसलमानों के इत्तेहाद है वहाँ मुसलमानों के वोटों को काट के ये लोगों ने वहाँ पर 38 लोगों को बीजेपी को वहाँ जिताए जिसकी वजह से उनकी हुकूमत बन गई। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वक्त को समझे, वक्त की अहमियत को समझे और 21 तारीख के दिन जो जो हमारे कैंडिडेट्स है कांग्रेस के, और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं इंडियन आर्मी का कोच हूँ, इंडियन आर्मी की रेसलिंग टीम को मैं कोचिंग देता हूँ, मैं पहलवानी सिखाता हूँ और मैं कोई पैसा भी नहीं लेता। मैं आपके पास इसलिए आया कि इस मुल्क के तमाम मुद्दे वतन है, इस मुल्क के तमाम लोग मुल्क को चाहने वाले हैं। आपकी जिम्मेदारी है आप लोग इस मुल्क को बचाने के लिए बीजेपी और उनके एजेंटों को 21 तारीख के दिन मुतहद हो कांग्रेस भी हक के हक में देकर कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को जिताए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज गुजरात। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी एसआर न्यूज गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।